हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पंचायत और विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज से ही कमर कसना शुरू कर दी है। पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। शिमला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्षों और पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई। साथ ही प्रदेश के जनहित के मुद्दों को किस तरह से जनता के बीच लेकर जाना है और भाजपा सरकार को कैसे घेरना है, इस पर विस्तृत चर्चा भी की गई। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्षों और पार्टी प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग कर पार्टी की गतिविधियों को लेकर अपनी रणनीति बनाई है और इसमें तेजी भी लाई है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को जीत दिलवाने पर भी बैठक के दौरान मंथन किया गया। वहीं पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई। जो काम जिस पदाधिकारी को सौंपा जाएगा उसकी रिपोर्ट पार्टी कार्यालय को भेजनी होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यालय रिपोर्ट को हाईकमान के पास सौंपेगा। सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे पार्टी की तमाम गतिविधियों को लेकर जनता के बीच जाएं। मुझे लगता है इसमें जो है कई पहलू हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे, कुछ अभिभावक चाहते थे कि स्कूल खुलें, कुछ लोग ये चाहते थे अभिभावक कि स्कूल ना खुलें। तो इसमें जो है सबका जो है अलग अलग मत था, लेकिन सरकार ने स्कूल अगर खोले तो सरकार को ये चाहिए कि जो बच्चे हैं उनकी पूरी सुरक्षा जो है सुनिश्चित होनी चाहिए। इस तरह से कदम उठाने चाहिए सरकार को कि कोई भी छात्र जो है संक्रमण का शिकार ना हो। सरकार को इसके लिए जो है पूरी तैयारियां करनी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लगातार जो है मामले जो है बढ़ रहे हैं, और ऐसे समय में अगर स्कूल खुले हैं तो पूरी मुझे लगता है सरकार ने इस विषय में तैयारी की होगी। अगर कहीं कमी रहती है तो सरकार को जो है अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। देखिए, अभी हमने अपनी आलाकमान से इजाज़त के बाद हमारे जो इंचार्ज हैं हिमाचल के श्री राजीव शुक्ला जी, उनकी सहमति के बाद हमने जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव उपाध्यक्ष, उनको हमने जो है जिलों का प्रभार दिया है। उसी तरह हमने जो हमारे पार्टी के सचिव हैं या कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको हमने ब्लॉक स्तर पे जो है जिम्मेवारी दी है। आज मैंने जो है हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनकी जो है बैठक बुलाई है। इस बैठक में हम महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पे विचार विमर्श करने वाले हैं, क्योंकि संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि अभी संगठन का बहुत अच्छा जो है कार्यशैली रही है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन अभी हमको बहुत आगे जो है बढ़ना है। तो आज जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मैं उनसे बैठ के बातचीत करूंगा, जो ज़रूरी निर्देश है वो हम उनको देंगे। मेरा सभी जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि हमको अब समय बहुत कम है आगे चुनावों के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, तो हमें अपनी सक्रियता बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसके बाद पार्टी के हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी आज जो है मीटिंग हमने बुलाई है लंच के बाद। पार्टी में हम अपने व्यू पॉइंट को और मजबूती से आगे रखें, इसलिए मैं स्पोक्स पर्सन से आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि स्पोक्स पर्सन जो है पार्टी की आवाज़ होते हैं। तो आज मैंने सभी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, उनकी हमने यहाँ बैठक बुलाई है। तो हम जो है मंथन करेंगे और आने वाले कल जितने भी हमारे ब्लॉक प्रभारी हैं उनकी कल मैंने बैठक बुलाई। एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि संगठन में उत्तरदायित्व निश्चित हो, जिन लोगों को हमने पदाधिकारी बनाया है उनका उत्तरदायित्व होगा, उनको हम जो है फेस्ट मैनर में हम उनको काम देंगे, और पूरा का पूरा पार्टी का चेक रहेगा कि उसमें कोई कमी ना रहे, क्योंकि मुझे पार्टी आला कमान के स्पष्ट निर्देश हैं और राजीव शुक्ला जी के निर्देश हैं कि बराबर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय को भेजते रहें और हम अपनी रिपोर्ट जो है वो आगे पार्टी आला कमान को भेजेंगे, और जो भी उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व का जो है सख्ती से पालन किया जाएगा।
और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पार्टी के सब लोग जो भी उनको जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को जो है बड़ी मजबूती से और बड़ी गंभीरता से वो निभाएंगे। मैं ये समझता हूँ क्योंकि अभी तो मैंने जिम्मेवारी दी है, तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे और अगर कहीं त्रुटि रहेगी तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस त्रुटि को दूर करें, सब लोग जो है काम करें, लेकिन उत्तरदायित्व तो जो है निश्चित होगा। सर अभी अभी देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये युवा कांग्रेस की जो मेंबरशिप कैंपेन चल रहा था उसमें जो है हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा। जहाँ तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात है, मेरी सख्त हिदायत थी कि हम इंटरफेयर ना करें, क्योंकि राहुल जी चाहते हैं कि हम संगठन जो है युवा कांग्रेस है उसके सदस्य अभियान हम जो है नए से नए नए लोगों को जोड़े, तो उस प्रक्रिया के तहत कुछ जगह पे शिकायतें आई हैं, कुछ लोग मुझसे पहले भी मिले हैं, फोन पे भी मुझसे बात हुई है और आज भी मुझसे जो है संगठन युवा संगठन के लोग मिले हैं। मेरा एक जो है सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कि इस मामले को जो है वो पार्टी के अंदर रखें, इस मामले को लेके जो है वो मीडिया में ना आ जाएं। और दूसरी बात, मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा आपस का मामला है, हमारी जो चुनाव प्रक्रिया हुई उसके तहत जो है ना, तो मैं समझता हूँ कोई जीता है ना हारा है, इट इज़ जस्ट लाइक ए वार्म अप एक्सरसाइज, हमने आपस में अंदर ही किया है। तो इसको ना तो किसी को उठाने का मुद्दा बनाए राजनीति में, ना किसी को गिराने का मुद्दा बनाए, और क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से, और अभी हमको आने वाले समय में पंचायतों के जो चुनाव है उन चुनावों में हमको जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, और मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी का वरिष्ठ नेता इस तरह से करता है तो ये पार्टी हित में नहीं है। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी अगर मामला है उस मामले को हमको जो है अंदर बैठ के जो है निपटाना चाहिए। उन्होंने क्या आप जिस तरह से आप कुछ सुना मुझे काफ़ी लिख के आया है, तो जो भी बात होगी निश्चित तौर पे मैं इसको जो है पार्टी आलाकमान को भेजूंगा। सर आप